हेलो ऑल, वेलकम टू मोना स्मार्ट किचन। तो आज की हमारी रेसिपी है गावरान मटन करी। यदि आप गांव के एरिया में जाते हो तो वहाँ पे इस टाइप का मटन का करी बनाया जाता है। ये करी बनाना बड़ा ही सिंपल है और इसे बनाने में टाइम भी कम लगता है। आप ये मटन करी को आपके मनपसंद रोटी के साथ खा सकते हो, या भाकरी के साथ भी खा सकते हो, या राइस के साथ भी खा सकते हो। यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट कर लेंगे और उसके लिए कुछ मसाला बना लेंगे। मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया है, उसमें हम 15-20 लहसुन डाल देंगे, 8 से 12 इंच कट किया हुआ अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और उसे मिक्सी में पीस लेंगे। इसे पीसने के बाद जो भी हमारा पेस्ट रेडी होगा वो हम मटन को मैरिनेट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा मटन लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम उसे मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हम मटन में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, जो हमने ग्राइंडर में मसाला बनाया था वो डाल देंगे, और 1 चम्मच नमक डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को मटन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग मटन बिल्कुल भी खाते नहीं हैं क्योंकि उनको मटन का स्मेल आता है, पर आप उसे इस तरह से मैरिनेट करोगे तो आपके मटन का स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगा। मटन मैरिनेट करने के बाद हम उसे कुक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है। कुकर गर्म होने के बाद उसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और 1 मीडियम साइज़ बारीक कट किया हुआ प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। मटन को मैरिनेट करने के बाद आप रेस्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप उसे डायरेक्टली तुरंत बाद कुकर में कुक करने के लिए छोड़ सकते हो। हमारा प्याज अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन छोड़ देंगे। मैरिनेटेड मटन को कुकर में डालने के बाद हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और उसे लगातार चम्मच से हिलाते रहेंगे। जब तक हमारे मटन का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। ये प्रोसेस करने में हमें लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। जब तक मटन में ये जो एक्स्ट्रा का पानी है वो ड्राई आउट ना हो जाए तब तक हमें ये प्रोसीजर करनी है। आप देख सकते हो कि मटन में जो भी एक्स्ट्रा का पानी था वो अब कम हो चुका है और मटन का कलर भी चेंज हो गया है। अभी हम इस स्टेज पे इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। मटन को कुक करने के लिए हमने जितना भी मटन लिया है उससे 2 गुना से थोड़ा कम पानी हम इसमें डाल देंगे। मेरा यहाँ पे 600-700 ग्राम मटन था, इसलिए मैं इसमें 1200-1300 मिलीलीटर पानी डाल दूंगी। हो सके तो इसमें गर्म पानी डालें और पानी को उबालने के बाद कुकर का लिड बंद कर दें और इसे हम 4-5 विसल होने तक पका लेंगे। अभी हम सब्जी के लिए मसाला बना लेंगे। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है जिसको मैंने अच्छे से गर्म होने दिया है और उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम चॉप किया हुआ ड्राई कोकोनट डाल देंगे। हमने यहाँ पे आधे बाउल से थोड़ा ज़्यादा ड्राई कोकोनट का यूज़ किया है। इसे हम लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कुक कर लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसमें आप ड्राई कोकोनट ही यूज़ करो। फ्रेश वाला कोकोनट यूज़ करोगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। उसी सेम कढ़ाई में हम 2 बारीक कट किए हुए प्याज को भून लेंगे। उसे भी हमें गोल्डन कलर आने तक अच्छे से भूनना है। ये जो मसाला मैं अभी बना रही हूँ इसे काला मसाला भी कहते हैं मराठी में। ये मसाला बनने के बाद उसे हम फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं 7 से 8 दिन के लिए। हमारे प्याज अभी भून के ऑलमोस्ट रेडी है। आप देख सकते हैं कि उनका कलर अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो उसे हम अभी 1 प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम हमारे मसाले की तैयारी कर लेंगे। एक मिक्सी जार ले लेंगे और उसमें हम अभी सारे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम भुना हुआ नारियल उसमें डाल देंगे, उसके बाद उसमें 10-12 लहसुन डाल देंगे और 4-5 इंच का अदरक भी डाल देंगे। अदरक लहसुन की मात्रा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसमें अब हम भुने हुए प्याज डाल देंगे और अच्छे से वॉश किया हुआ बारीक कट किया हुआ धनिया भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच मटन मसाला डाल देंगे। आपके पास जो भी मसाला अवेलेबल है आप वो डालोगे तो भी चलेगा। उसके बाद 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे।
मैंने ज़्यादा तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ किया है और कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ किया है। आपको कितना ज़्यादा तीखा खाना पसंद है उसके हिसाब से आप सारे मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसे मिक्सी में ग्राइंड करते समय आपको उसका बिल्कुल ही फाइन पेस्ट बनाना है, थोड़ा भी दरदरा नहीं रखना है, तो ही सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे और जो भी हमने मसाले का पेस्ट बनाया था वो इसमें छोड़ देंगे। मसाला बनाते टाइम आपको पानी लगे तो आप उसमें पानी भी डाल सकते हो ताकि हमारा पेस्ट और भी ज़्यादा फाइन बने और बिल्कुल भी दरदरा ना रहे। अभी हमें इस मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। इसमें हम अब थोड़ा बारीक कट किया हुआ धनिया डाल देंगे। मसाला फ्राई करते समय आप उसमें बारीक कट किया हुआ धनिया डालोगे तो हमारी सब्ज़ी होने के बाद उसका कलर और भी ज़्यादा सुंदर आता है, रेड हो जाता है। मुझे सब्ज़ी में थोड़ा तेल कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें और 1 चम्मच तेल मिला लिया है। हमें ये मसाला बहुत अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा हमारे सब्ज़ी का टेस्ट डिपेंड करता है। जब भी हमें लगे कि मसाला ड्राई हो रहा है तभी हम इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे और इसे फिर से फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हो कि मसाले के आजू बाजू से तेल छूट रहा है, इसका मतलब है हमारा मसाला अभी फ्राई करके रेडी है। हमारा मटन अभी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, उसमें हम वो मसाला ट्रांसफ़र कर देंगे, पूरा मसाला उसमें डाल देंगे और सब्ज़ी को 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर ढक्कन भी रख सकते हो। कभी भी आप ऐसे मसाले वाले सब्ज़ी बना रहे हो और उसके ऊपर ढक्कन रख रहे हो तो ढक्कन को पूरी तरह से नहीं ढकना है, थोड़ा ओपन रखना है। ओपन रखने से करी के ऊपर तेल बहुत अच्छा आता है। तो हमारी ये मटन करी अभी रेडी है। आप देख सकते हो कि हमारे करी का कलर कितना अच्छा आया है। मटन का फर्स्ट मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप यदि वैसा करोगे तो आपके मटन का बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा और खाने का मज़ा भी दुगना हो जाएगा। दूसरा टिप ये है कि जब भी आप भुने हुए मसाले को मिक्सी में जब पीसते हो तब उसका आपको बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। यदि आप दरदरा रखोगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। और यदि आपको लग रहा है कि मसाला डालने के बाद आपकी ग्रेवी का कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो यदि आप उसमें पानी भी मिलाओगे तो वो आपको गर्म करके ही मिलाना है। और एक टिप, जब आप राइस पकाते हो तब उसमें पानी की जगह मटन का सूप डालोगे और उसमें 1 पीस डाल दोगे तो राइस का टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। तो आपको मेरी ये गावरान मटन करी की रेसिपी कैसी लगी मुझे पक्का बताना और मुझे नेक्स्ट आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोना स्मार्ट किचन एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।